हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फो बेयर चैनल में। दोस्तों, बातें काफी कुछ करता हूं मैं, लेकिन आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक बेस्ट मिड कैप शेयर, और ये सबके लिए सूटेबल है। दोस्तों, अब किन के लिए ये सब में कौन आता है? तो इन सब में आते हैं दोस्तों वो लोग जिन्होंने अभी जस्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है। इनमें आते हैं वो लोग जो ऑलरेडी मिड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और इनमें वो भी लोग आते हैं तो काफी सारी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, जो ग्रोथ चाहते हैं, जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, वो लोग भी इस शेयर को ले सकते हैं। एक बेस्ट मिड कैप शेयर। काफी सारे आप अगर अपने ब्रोकर से बात करो या फिर जो एक्सपर्ट्स है उनसे बात करो, तो आप जब बेस्ट शेयर की बात आती है, स्पेशली जब मिड कैप बेस्ट शेयर की बात आती है, तो इस शेयर का नाम बिल्कुल लिया जाता है। इंट्राडे वाले भी इस शेयर में ट्रेड करते हैं, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले भी इस शेयर में हैं। मैं बहुत सारे गुणगान गा रहा हूं इस शेयर का, तो नाम भी आपको बहुत ही जल्द पता चलने ही वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो होता नहीं है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे रेगुलर अपडेट के लिए, अच्छे अच्छे बेहतरीन शेयर्स जानने के लिए, और ना ही सिर्फ शेयर्स जानने के लिए, उनका डिटेल एनालिसिस जानने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे करके रखा हुआ है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है वो शेयर। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था बीकेटी टायर्स की, यानी बालकृष्णा लिमिटेड। यहां पर दोस्तों बात यह है, लगभग 30 साल पुरानी कंपनी है और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। आप एनुअल के बारे में बात करोगे तो लगभग 20 से 25% तक का रेगुलर ग्रोथ जो है ये इसने ऑलरेडी दिखा रहा है, और कंटिन्यूसली दिखा भी रहा है। इसलिए मैं कहता था कि जो भी मेरे दोस्त हैं जिनको रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से, तो वो बीकेटी के लिए बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्रूफ हो सकती है बालकृष्णा लिमिटेड। अब बात करते हैं, थोड़ी और डिटेल में जाते हैं। मैं लेकर के चलता हूं आपको सीधा उनके वेबसाइट पे, ताकि हम लोग बात कर सके और देख सके कि एक्चुअली क्या चीज है। ओके, हियर वी कम्स बालकृष्ण लिमिटेड। मैं देखिए यहाँ पे ना आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि भाई ये 30 साल पुरानी कंपनी है, तो हाँ बिल्कुल ये 30 साल पुरानी कंपनी है दोस्तों। 1987 में जो है इसका स्टार्टअप हो चुका था, और ये जो बेसिकली डील करती है, ये टायर्स बनाती है, और टायर्स भी तीन अलग अलग सेगमेंट में बनाती है। एक तो एग्रीकल्चर टायर्स, बेसिकली जो ट्रैक्टर्स और वो सारी चीज़ों में यूज होते हैं वो बनाती है। इंडस्ट्रियल टायर बनाती है, जैसे अपने एशियर मोटर के जो ट्रक्स होते हैं या फिर बड़े बड़े टेम्पोज होते हैं उसमें ये चीज़ आती है। साथ ही साथ में ओटीआर के लिए भी टायर्स बनाते हैं, और ओटीआर बेसिकली वो चीज़ें होती है जो खदान में काम करती है ना, जेसीबीज हो गया, और वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, कैरियर्स जो होते हैं वो बेसिकली उनके लिए भी ये टायर्स बनाते हैं। तो छोटे साइज से लेकर के बड़े साइज तक के टायर जो है ये लोग बनाते हैं, जिसे अर्थ मूविंग भी कहा जाता है ना। पोर्ट एंड माइनिंग में सब चीजें यूज होती है, गार्डनिंग एप्लीकेशन है उसमें से ये सब चीजें ये लोग बनाते हैं। पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि जो गाड़ी लेगा उसको टायर तो लेना ही लेना है। इसके कंपटीशन में जो पियर कंपनीज है वो भी बेहतर है, सीएट है इसके कंपैरिजन में, एमआरएफ है इसके कंपैरिजन में, बट जब नंबर्स की बात आती है तो बीकेडी टायर्स जो है वो कहीं ना कहीं पे बेहतरीन पोजीशन में दिखाई देता है। बात करते हैं नंबर्स की, तो लेकर चलता हूं मैं आपको बालकृष्ण के नंबर्स की तरफ। देखिए, मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो लगभग 28,000 करोड़ का कैपिटल है। पी थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है दोस्तों, 31 का पी है, जबकि इंडस्ट्रियल पी मुश्किल से 20 तक जा चुका है। ईपीएस लगभग 50 रुपए का, और कंपैरिजन करेंगे दोस्तों ईपीएस की और पी की, मतलब 31 रुपीज दे रहे हो आप, 64 रुपीज जो है वो कमाने के लिए, लेकिन पी और इंडस्ट्री पी का कंपैरिजन करेंगे तो हमें पी थोड़ा महंगा दिखाई देता है। और इससे एक चीज पता चलती है कि शेयर का प्राइस, अगर आपको नहीं देखा, आपने अभी तक देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको पता चल जाता है कि शेयर थोड़ा महंगा ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अब थोड़े डिटेल में जाकर के और बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो सिर्फ 2 क्वार्टर की करेंगे, पिछले मार्च, अभी ये मार्च क्वार्टर हो गया वो, और ये जून क्वार्टर है।
आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर में इनका 264 करोड़ का जो है वो बिजनेस से नेट प्रॉफिट निकला था, और जो जनवरी क्वार्टर में ये 131 का निकल चुका है। अब इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सिर्फ 2 करोड़ का इंटरेस्ट ये लोग भर रहे हैं। इसका मतलब है कंपनी जो है लगभग जो है वो डेट फ्री है, और अच्छा रिटर्न अदर इनकम से भी इनको जनरेट हो रहा है। क्वार्टर की बात करेंगे तो रेवेन्यू की तरफ अगर आप देखोगे तो 400-500 करोड़ का रेवेन्यू कम है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि पैंडेमिक चालू है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने वाली कंपनी बिजनेस कम कर रही है, मतलब डेफिनेटली सारी ओर से आने वाला जो बिजनेस है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अब पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे दोस्तों, मैं दिखाऊंगा पीयर कंपैरिजन करके इसका, तो आपको पता चलेगा कि इसके अगेंस्ट में मैंने 2 नाम लिए थे, एक तो एमआरएफ लिया था और एक तो सिएट लिया था। एमआरएफ की बात करेंगे तो एक शेयर का प्राइस लगभग 60,500 के ऊपर है, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो लगभग 1,394, और बालकृष्ण का देखेंगे तो लगभग 950, यानी 800 करोड़ का एडिशनल प्रॉफिट और शेयर प्राइस 60,500, तो कहीं ज्यादा बेहतर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस पोजीशन में है। सीएट का 1,000 का प्राइस है और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट लगभग 270 है, यानी इसका ईपीएस डेफिनेटली कम होगा, और उसके कंपैरिजन में बालकृष्ण बहुत बेहतर रिजल्ट दे रहा है। ये 2 बेहतर कंपनीज का कंपैरिजन हम लोगों ने कर लिया। अब मैं एक बार ही आपको इसका प्रमोटर होल्डिंग भी बता देता हूँ। 53%, यानी लगभग 60% का प्रमोटर होल्डिंग है, स्टेबल है, कोई भी प्लेज नहीं है। साथ ही साथ में FIIs और FCIs का इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ, उसके साथ में DIIs का थोड़ा डाइल्यूशन, बट एक ओवरऑल स्टेबल पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट देखोगे तो HDFC का म्यूचुअल फंड, DSP का, कोटक का, HDFC का स्मॉल कैप, HDFC का भी बेटर, मतलब 2 से 3 फंड HDFC ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि इससे एक रेगुलर इनकम जनरेट होता है। अब बात करेंगे एक्चुअल कैश इन हैंड की। मैं चाहता हूं अब कैश फ्लो देखो दोस्तों, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनके पास आ चुका है लगभग 1200 करोड़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -670 करोड़। तो कहाँ गया ये पैसा, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिक्स्ड असेट परचेस कर लिया, दूसरा पैसा गया इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया, और इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया। तो मैं एक समझता हूँ कि भाई इसमें से ये अपने आप को सेटल कर लिया, इसने जितने से परचेस किया सोल्ड किया उससे जो पैसा आया उसी में से परचेस कर लिया। लेकिन एडिशनल असेट परचेस किया कंपनी ने, मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेटर या एक्सपेंशन के प्लान में कंपनी है। अब कैश फाइनेंसिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंस एक्टिविटी आप देखोगे तो 500 का माइनस है। क्यों 500 का माइनस है उसको भी देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए अब रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, यानी कर्जे का रीपेमेंट कर दिया, और साथ ही साथ में डिविडेंड जो है वो भी दे चुकी है कंपनी। यानी बेहतर बेहतर इससे बेहतर क्या हो सकता है, कर्जे कम कर रही है, आपको डिविडेंड दे रही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंचर का एक्सपेंशन की तरफ दिखाई दे रही है, साथ में ऑपरेटिंग से कैश आ रहा है, और बेहतर क्या चाहिए कंपनी को। कैश इन हैंड अगर नेट फ्लो देखोगे तो इस साल बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर है, डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर में कंपनी का कैश फ्लो सुधर जाएगा, तो ये कोई टेंशन लेने बात वाली बात है नहीं। अब जो मेरे भाई लोग टिकर टेप फॉलो करते हैं उनको भी टिकर टेप की एक छोटी सी आइडिया मैं दिला दूं। देखिए प्राइस जैसे मैंने कहा था कि ओवर प्राइस है तो डेफिनेटली इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर ही होगा। FD से बेटर रिटर्न दे रहा है, क्योंकि 21 से 25% का रिटर्न FD से काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। डिविडेंड हाँ थोड़ा कम देता है, एंट्री पॉइंट बहुत ही अच्छा, और सबसे बढ़िया कोई फ्लैग नहीं है, ना AGM ना ASM कहीं पे भी कंपनी फंसी हुई बिल्कुल भी नहीं है। 50% लोग आपको बाइंग का सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि अभी बाय मत कीजिए, ओवर वैल्यूड है, और कुछ लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़े चार्ट की तरफ आकर के देखेंगे तो दोस्तों देखिएगा अभी जो शेयर ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई, सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके शेयर लगभग 1500 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा शेयर ओवर वैल्यूड दिखता है जब बालकृष्णा की बात आती है। प्राइस देखिए करेक्शन की तरफ जो है वो ऑलरेडी मुड़ चुका है, और लोगों ने सेल करना चालू भी कर दिया है। बाय द वे ये वीक हैंड सेलिंग है, लास्ट डे जो सेल हुआ था ये वीक हैंड सेलिंग कही जाएगी इसको, वॉल्यूम इसमें ज्यादा है नहीं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ जो मेरे भाई लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं कि भाई मैं इसको बाय करके होल्ड करूंगा, तो वो जो है इस प्राइस पे बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और जो मेरे दोस्त सोच रहे हैं कि थोड़े साल के लिए इन्वेस्ट करके मैं इसको जो है वो सेल कर दूंगा, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि वेट करो, आपके लिए प्राइस उतरेगा, और प्राइस उतरने के बाद 1300 रुपये के आसपास जब भी प्राइस आएगा आप बाय करना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो।
स्लॉट बाइंग हमेशा सजेस्ट करता हूँ। तो स्लॉट बाइंग का फॉर्मूला अगर फॉलो कर रहे हो तो 1500 रुपए पर आप थोड़ा सा बाई कर सकते हो, और जैसे शेयर गिरना हो जाए, गिरता हुआ स्टार्ट आपको दिखाई दे, तो आप जो है अपना बाइंग वॉल्यूम बढ़ा के, अपनी बाइंग क्वांटिटी बढ़ा के बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा शेयर बेस्ट मिड कैप शेयर में, और भी शेयर्स में लेकर के आऊंगा आपके लिए जो बेहतरीन होंगे, सारा का सारा एनालिसिस खोल के रखेंगे उसका। और ऐसे वीडियो अगर आप ज्यादा से ज्यादा चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाइक जरूर कीजिएगा, हिट जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।